हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द केपी संत न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और मैं आज आप लोगों के बीच, तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ये है RDC राजनगर और ये आ चुका है आपका हिंट चौक। तो दोस्तों देख सकते हैं तस्वीरें, मैं आज आप लोगों को दिखाता हूं दोस्तों डेलू टू मेरठ कॉरिडोर। हाँ तो दोस्तों देख सकते हैं तस्वीरें और ये इस टाइप का बन रहा है कॉरिडोर मेट्रो का, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरों के माध्यम से। तो काफ़ी दिनों से मैं ब्लॉग नहीं बना पाया था, तो आप लोगों के बीच में मैं इसलिए आया हूँ स्पेशली कि आप लोग देखो और इन्जॉय करो। देख सकते हैं तस्वीरें आप लोग, और ऐसे ही ब्लॉग्स आप लोगों के बीच में आप कंटिन्यू आते रहेंगे, तो दिखाते हैं आपको कि कहाँ से कहाँ तक कितना वर्क हो चुका है। आ जाता है आपका 5 नंबर भट्टा मेट्रो स्टेशन जो बनाया जा रहा है। ये देखिए कुछ इस तरीके से बनाया जा रहा है ये, तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि दोस्तों के बीच में मैं दिखाऊं कि कितना वर्क हो चुका है, कितना बाकी है। देखिए आप लोग ये कंस्ट्रक्शन, तो दोस्तों काफ़ी वर्क हो चुका है इस दिल्ली टू मेरठ RRTS कॉरिडोर का, तो आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इतना कंस्ट्रक्शन हो चुका है, देख सकते हैं ये बीच में से हट गए हैं जो इसमें लगे हुए थे, तो ये मतलब कि कंप्लीट हो चुकी है ऊपर से नीचे तक इधर बीच में। और ये पड़ता है आपका मोटा विलेज, तो उसके आस पास में ये कम्प्लीट हो चुका है। और ये रिलोंट डस्टर का ये शोरूम है, तो मैं ऐसे ही ब्लॉग्स आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। और दोस्तों देखो, तो हम भरवा रहे हैं फ्यूल अपनी गाड़ी का, नॉर्मल पेट्रोल है। देखिए भर रहा है, देखो दोस्तों ये देखिए पिलर भरे जा रहे हैं, ये ऊपर का टुपली जो लग रहा है वो, ये टुपली लगाया जा रहा है, ये देख सकते हैं तस्वीरें। अमरादनगर तक ले कर चलें, अमरादनगर का आपको दिखाते हैं चल के। ये कंस्ट्रक्शन को रोकने वाले जो मतलब कि रेलवे रोड थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद, देखिए ये भरा जा रहा है इस तरीके से, ये भरे जाते हैं पिलर। ये देखिए, अब मैं इसको अंदर ही कर देता हूँ आपको, अब देख लीजिए इस तरीके से ये भर भी रहे। ये क्योंकि इधर से क्लियर चमक रहा है, क्योंकि इसमें बीच बीच में वो नहीं लगे हुए हैं, तो इसलिए मैं क्लियर कर, ये पिलर किस तरीके से ये बनता है और बढ़ता है, इसमें कंट्रक्ट हटा रखा है। ये देखिए, ये देखो, लाइक शेयर कमेंट करें। देखिए ये काम चल रहा है और ये वर्कर हैं यहाँ के, और ये है मुरादनगर आयुक्त निर्माण मुरादनगर, पिलर भरे जा रहे हैं देखिए इस तरीके। लोग आते रहते हैं और ये भर चुका है, ये ऊपर का रॉब आ चुका है जो जोड़ता है पिलरों के साथ, कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी। देखिए पिलर जोड़े जा रहे हैं, गाइस देख सकते हैं तेजी के साथ अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है ये दिल्ली टू मेरठ कॉरिडोर रैपिड रेल। देख सकते हैं कितनी तेज़ी के साथ में इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, दिन रात हो रहा है इसका कंस्ट्रक्शन, ताकि सन 2023 तक कंप्लीट हो जाए बनके,
तैयार हो जा रहे हो, उस पर ये गाड़ियाँ चलने लग जाए मेट्रो। तो मैं भी जाएगा लेफ्ट में और सीधा मेरठ के लिए जाएगा। तो आप लोग तस्वीरें देखो दोस्तों और इन्जॉय करो। देखिए दोनों साइड में किस तरीके से बनाया जा रहा है ये, और काफ़ी लंबा चौड़ा है ये, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है तेज़ी के साथ में। और ये दोनों साइड में देखिए पिलर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि एक तो लेफ्ट में डिपो के लिए चला जाएगा और राइट वाला ये सीधा मेरठ के लिए चला जाएगा दोस्तों। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे यहाँ का ब्लॉग नहीं आ रहा था। तो आप लोग देखना और मुझे बताना कमेंट करके कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, क्यों मेरी कोशिश यही रहती है कि जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगी, और मेरा मानना ऐसा है कि सन 2024 तक ये बन के चलने लगेगी, कंप्लीट हो जाएगा, क्यों सन 2023 में ये बन जाएगी तो 24 में ये स्टार्ट हो जाएगी, कि इसमें एक साल का भी वक्त लगेगा। और देखिए कैसे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कितनी तेज़ी के साथ कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी। और ये आ जाता है दोहाई आपका, ये दोहाई में चल रहे हैं हम, तो देख सकते हैं एक साइड मेरठ के लिए जा रही है राइट वाला, और लेफ्ट वाला इसमें डिपो जा रहा है जो कि दोहाई के पीछे भिक्कनपुर और दोहाई के बीच में जो डिपो बनाया जा रहा है दोस्तों, मैंने उसका वीडियो बनाया है। तो आप लोग, मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा, आप लोग जाके देख लेना। देखिए कुछ इस तरीके से ये पिलर बनाए जा रहे हैं, ये मशीन खड़ी हुई है और मशीनों से ये काम गड्ढे हो भी रहे हैं, तो पूरी तरीके से अभी बना नहीं है। देखिए ये मशीन खड़ी हुई है और गड्ढे, ये अभी पिलर भरे जा रहे हैं लेफ्ट हैंड वाले, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरों के माध्यम से। देखिए ये बन रहे हैं यहाँ पे, और आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए ये चला जाता है दोहाई के अंदर, ये देखिए वो जो बैठे हुए हैं, ये टम्पू जा रहा है दोहाई के अंदर दोस्तों, और भिक्कनपुर जा कर निकलेगा, और यहीं से डिपो के लिए जा सकते हैं आप लोग। तो देखिए, और ये आ जाती है ईस्टर्न पेरिफेरल जो कि दिखा रहा है कुंडली में, सीधा मेरठ के लिए, कुंडली लेफ्ट के लिए, देख सकते हैं तस्वीरें आप लोग। ये देखिए ये भिक्कनपुर के लिए जा रहा है लेफ्ट में डिपो के लिए, और राइट में जा रहा है मेरठ के लिए दोस्तों। तो मुरादनगर, मोदी नगर और फिर मेरठ। तो देखिए ये क्या नाम है ईस्टर्न पेरिफेरल का, ये क्या नाम है इसका, वो बनाया जा रहा है ब्रिज दोस्तों, ये देख सकते हैं तस्वीरें, ये देखो ये बनाया जा रहा है कुछ इस तरीके का, और ये लोहे का ही बन रहा है मेट्रो। तो आप लोगों को इधर का दिखाएंगे कि मुरादनगर तक कितना काम हो चुका है, वो आपको दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए अभी पिलर ये नीचे से खड़े हुए हैं, अभी ये भरे जाएंगे, फिर इसमें ऊपर का टिपली लगेगी, फिर इसमें वो क्या नाम है वो जोड़े जाएंगे। तो अभी काफ़ी लंबा प्रोसेस है, काफ़ी टाइम लगेगा, इस मेट्रो रूट को बना रही हैं दोस्तों। देखिए दो भैया 500 रुपये का कर दो। देखिए दोस्तों हम भरवा रहे हैं फ्यूल अपनी गाड़ी का, नॉर्मल पेट्रोल है। देखिए ये भर रहा है, तो ये है मुरादनगर के पास में ना भैया, ये हमें ये मुरादनगर के पास में है पेट्रोल पंप, और ये 33 गांव है पेट्रोल पंप। ठीक है दोस्तों, भर चुका है, देख सकते हैं। ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए आप लोग इन्जॉय कीजिए हमारे वीडियो को, ठीक है, चलिए। का चौराहा, और यहाँ से हम हो जाएंगे राइट राजनगर। देखिए तस्वीरें, तो दोस्तों अब हम चलते हैं घर के लिए और दिखाते हैं आपको तस्वीरें। देखो ये हैं तस्वीरें, RDC राजनगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, इन भीड़भाड़ रहती है दोस्तों बहुत ज़्यादा। देखिए गाड़ियों की ये भीड़भाड़,
क्योंकि ये वाली रोड बिल्कुल जाम हो जाती है भीड़ से। और ये सामने है बीकानेर आरडीसी राजनगर, और हम चलते हैं घर के लिए। और हम लेते हैं चल के स्कूल से, आने वाले ब्लॉग में आपको दिखाएंगे, एक दो ब्लॉग में जल्दी से जल्दी दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। और देखिए ये आ जाती है, ये रोड आ गई। The year is 1991. Birds and people are living together in seemingly perfect harmony until one day a young man catches fire. This is Phoenix.